थोड़ी एकता ना होंदी ते आपा ऐस मंजिल ते नहीं पहुंच सकते सी, क्योंकि किसान भीरों ये जेड़ी आपा नूं मंगा केवल ते केवल लड़ाई जेड़ी आपा नूं आपदे मोढ़ियां ते लड़के ही जितनी पैनी आ। जे कोई बच्चा रोंदा नहीं ते मां दुध नहीं चगाउंदी। कई किसान वीरां दे मैनूं फोन आई जांदे किवें होई, पुछदे आ घरे बैठे बिड्डां ते सी कवरेज किवें होई। मैं उन्होंने बाद मरा ही दसना चाहना, वो थोड़े नाल बीबिया भी चंगा जड़िया साडे इन्नी गर्मी चाके बैठिया। किसान भीरो साडा हक आ, साडा हक आ अज की डेमोक्रेसी के अनुसार लड़ाई लड़दा। असी आपदे हर आए पहलू से लड़ाई लड़ सकते हैं, सरकार नूं दस सकते हैं कि साडियां लोड़ां जिहड़ियां पूरियां करो। जिथे एडी वड्डी सहूलत की किसानां ने, मैं ना वो सारे बधाई दे पात्र ने। पंजाब के चप्पे चप्पे तो कोने कोने तो मेरे वीर आए ने, बहुत दूरों आए, चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह घंटे का सफर करके ट्रालियां ट्रैक्टर लैके। तो इतने साढ़े मन के विच सी कि जिनी देर तक साडे मसले हल नहीं होंगे तो असी ये जिहड़ा अंदोलन छड के नहीं जावांगे। सो तीन घंटे मीटिंग तो बाद सिट्टा जिहड़ा बहुत वधिया निकलिया, जिहड़ा मंत्री साहब आके तुहाडे सामने दसणगे, क्योंकि अपना अज तो बाद जदों भी कितें सानू लड़ाई लड़नी पवे पिंडां दे विच जाके दसो भी आपां नूं एकता करनी चाहीदी, सारिआं नूं वध चढ़ के हिस्सा लैणा चाहीदा। जे आपां अज इकत्रता कीती आ ते मंजल आपां तय कर सकांगे। सो किसानी देर जिवें बड़े ने, क्योंकि 70 साल हो गए देश आजाद होए नूं ते किसानी लई कोई नीति ना हो, जिहड़ी सरकार आउंदी आ किसानां नूं अखो परोखे रखदी आ। सानूं माण आम सरकार ते कि किसानां दे मसले हल करना शुरू कर देऊगी, ते आपां जे मसले हल होणगे ते माण साहब ने कहा सी तुहानूं अंदोलन नहीं करने पैणगे, घरे बैठे मसले हल होणगे। ये भी साढ़े नाल गल हुई है टेबल ते। जे मैं गल करा आपां नूं जिहड़े हक आ, पर फिर भी वेले रह के नहीं मिलने, लड़ाई लड़े बिना नहीं मिलने, आपां नूं लड़ाई लड़के ही लड़े पैने ने। क्योंकि जे घंटे दियां अगे दो खुदकशियां सी ते अज घंटे दी दर दे तीन खुदकशियां दी हो गई आ सारे भारत दे विच, क्योंकि गर्मी का मौसम आ। किसान वीरो कोई गल नहीं, धक्क मधक्के ना होवो, शांत रहो। इन्नी आपां परसों की शांत बई बनाई आ, हुण अद्धे घंटे पिछे आए ना करो मेरे वीर यार। कोई नहीं, गर्मी आपां नूं कुछ नहीं करती, जित की खुशी बड़ी होंदी आ, कुछ नहीं करती गर्मी। सो इन्हां बेनतियां करदा दास भारतीय किसान जी नूं खोसा वल्लों सारे दा कोटन कोटन धन्नवाद करदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, साडे हक, साडे हक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सन सुखजिंदर सिंह जी खोसा, सूबा प्रधान बीके जी खोसा, जिन्होंने अपने विचार संगत नाल सांझे कीते ने। सो सीएम साहब दे नाल तकरीबन दो तो ढाई घंटे जिहड़ी है बहुत वधिया ते सुखावे माहौल दे विच जिहड़ी मीटिंग हुई है, वह तो मंत्री साहब ही आण के सारा कुछ दसणगे। हुण मैं बेनती करांगा सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा, जिन्हां ने बारहवीं दे किताबां दे विच जो इतिहास नूं तरोड़िया मरोड़िया गया सी, सिक्ख्या विभाग दे गेटां दे मूहरे लगातार 100 दिन तो अपना मोर्चा लगा के बैठे ने, जिन्हां ने उस इतिहास नूं बचाया। जिवें कि तुसीं बड़ा वड्डा अंदोलन पिछले 2021-22 दे विच जिहड़ा उस अंदोलन नूं जो कुछ उहदा इतिहास विच सीगा वह तुसीं देखिया होणा, बच्चों नूं सिलेबस विच वी जिहड़ा वह जा चुका, बच्चों नूं इह कहा गया वी अंदोलन सी किन्ने दिन चलिया, इस अंदोलन दीआं प्राप्तियां की सी, इस अंदोलन विच किन्ने किसान शहीद होए, सारा कुछ वर्णन योग है। हुण मैं बेनती करांगा सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा साहब तो अपने हकों के लिए
साहबजादा अजीत सिंह नगर के चंडीगढ़ के बार्डर के उत्ते बैठे हुए नौजवानों, मेरे वीरों, मेरी धीओ ते भैनों, सब तो पहला बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जिथे समूह किसानों का ते अपनिया बच्चियों का धन्यवाद करदा, उहदे नाल नाल मीडिया का तह दिलों धन्यवाद करदा हाँ जिन्होंने दिल्ली के बार्डर के उत्ते लंबा समा उत्थे साडे नाल रह के लड़ाई लड़ी ते उस मोती दी धौण विच जो लोहे का सरिया सी ओ कढ़िया ते तिन्ने काले कानून रद्द करा के उत्थों आए। और उस तो बाद आउंदियां ही आप सब नूं पता है कि अज 100 ते 1 दिन हो गए ने जो कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के दफ्तर के अगे धरना चल रहा है। बहुत सारिया किसान जथेबंदियां, निहंग सिंह जथेबंदियां, धार्मिक जथेबंदियां अते आम लोगों ने उत्थे पहुंच के इस धरने दे विच बहुत वड्डी शमूलियत की और मीडिया का भी बहुत वड्डा योगदान रहा, जिस कारण 3 किताबां बैन हो गईआं ने अते 3 दोषियों के खिलाफ पुलिस परचा हो गया। पर मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि उन्हां किताबां दे विच गुरु नानक पातशाह के बारे बहुत गलत लिखिया, इसे तरह पंचम पातशाह बारे भी गलत लिखिया है, 6वें पातशाह नूं जहांगीर की फौज विच एक नौकर दस्सिया है, अते श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं चोर डाकू कातल दस्सिया गया, अते उन्हां नूं इह उन्हां बारे इह भी दस्सिया गया कि उन्हां नूं गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले के विच बंद किया गया ते उन्हां दे शरीर दे 4 टुकड़े करके ग्वालियर दे 4 दरवाजे नाल टंगे गए। इस लिखत दे नाल उस 2 गुरु साहिबान दा जो इतिहास है कि 9वें पातशाह दी शहादत हिंदू धर्म दी रक्षा लई जो कि कश्मीरी पंडतां ने आके फरियाद कीती ते ओह दिल्ली सीसगंज गुरद्वारा साहब उत्थे शहादत दिंदा ते उस गल नूं खत्म कीता। और 6वें पातशाह जिहड़े कि उस वक्त 22 धार दे हिंदू राजे सी, पहाड़ी राजे सी, जिन्हां नूं 22 ग्वालियर दे किले दे विच्चों रिहा करवाया, उस इतिहास नूं भी खत्म कीता गया। अते गुरु गोबिंद सिंह बारे भी बहुत गलत लिखा गया, अते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं चोर डाकू औरतां दीआं इज्जतां लुट्टण वाला दस्सिया गया। इस मोर्चे दे विच भी जिस तरह के बीबी राजविंदर कौर राजू, बीबी गुरजीत कौर अते नौजवानां वल्लों निहंग सिंह जथेबंदियां वल्लों बहुत वड्डे पद्धर ते योगदान पाया गया। और मैं दसना चाहांगा कि धरना लाउण तों पहलां जदों कि असीं दिल्ली बार्डरां ते सी ते मेरी डल्लेवाल साहब नाल गल हुंदी रहिंदी सी, और जदों उत्थों मोर्चे तों आ गए ते मैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल कोल दे गया, ते 30 जनवरी दी गल है कि डल्लेवाल साहब आह मसला आह किताबां आह फाइलां ने ते इहनां ने पुछिआ वी इहदा हल की है। मैं क्या इको एक हल है क्योंकि श्रोमणी कमेटी के खिलाफ मैं 17 साल तो लड़ाई लड़ रहा, श्रोमणी कमेटी ने इदों भी वध जिहड़ा किताबां जिहड़ियां पब्लिश कीतियां उहनां 'च गलत लिखिया ते पर पल्ले कुछ नहीं पिया। और पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों जिहड़ियां प्लस 2 दीआं किताबां अज इहदे बारे मैं दस्सिया इहनां दे विच वी बहुत गलत लिखिया पर पल्ले कुछ नहीं पिया। कहिंदे हल की आ, मैं कहिंदा हल है दरी, कहिंदा कढ दे मोर्चे। फिर मैं उस तों बाद आ खोसा साहब खलोते ने इन्हां कोले गया, उस तों बाद बाकियां दा टैलीफोन ते राय कीती ते 7 फरवरी तों ओह निरंतर मोर्चा चल रिहा ते जिहदी बदौलत 3 किताबां ते बैन लग्गिया अते 3 दोषियां ते परचा होया। पर मैं दसना चाहूंगा कि 36 जिहड़े राइटर ने ओह होर ने, और 2017 च मेरे वल्लों रौला पाउण ते इह किताब बैन हो गई, पर उस तों बाद भी इह किताब 2022 तक आ 4-5 दिन पहलां रोक लगी आ। और इह किताब जिहड़ी आ इह पब्लिश हुंदी रही, स्कूलां 'च पढ़ाई जांदी रही, जिहदे संबंध विच मेरे वल्लों पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे चेयरमैन, सिक्ख्या सकत्तर, राइटर, पब्लिशर, विक्रेता दे खिलाफ भी दरखास्त दित्ती आ। जिहड़ा परचा हो गया ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ
बाकी है। तो मैं बेनती करांगा कि अज तुसी ये बहुत वड्डी प्राप्ति करके घरों जाना, जिदे बारे मंत्री साहब आके तुहानू दसणगे।